ये नशे के खिलाफ जो हमारा अभियान जारी है उसी के तहत गांव पन्नीवाला मोरका के एक नशा तस्कर परिवार था जिसके 3-4 लोग नशे में संलिप्त थे, तो उनकी हमने 2,42,00,000 की प्रॉपर्टी जो है उसको फ्रीज़ किया है और उसके कंफर्मेशन के लिए दिल्ली में भेजा गया है, तो शीघ्र ही वो कंफर्म भी हो जाएगी और इसमें आगे भी हमारी जो है कार्रवाई वो है जारी रहेगी। इसकी अगर हम देखें तो जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 3.5 करोड़ है इस प्रॉपर्टी की, तो इसमें हमारे डीएसपी डब्वाली कुलदीप बेनीवाल, हमारे डीएसपी कपिल अहलावत और जो एसएसओ सदर डब्वाली हैं उनका और एक वहाँ पीएसआई है विनोद, उनका काफ़ी मुख्य रोल रहा और उन्होंने काफ़ी कठिन परिश्रम किया, तो उसमें ये प्रॉपर्टी अटैच हुई है, काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है और आगे भी हम जो है इसमें कार्रवाई करते रहेंगे। इससे पहले भी सर किसी ऐसी अक्यूज़ की प्रॉपर्टीज की गई है? अभी इसी साल फरवरी में हमने एक केस भेज रखा है, वो सदर सिरसा थाने का है। मेन तो उसमें जो परिवार में एक सुखंदर सिंह है उर्फ मंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह, एक दीप सिंह उर्फ बब्बी पुत्र सुखमंदर सिंह जो इनके बेटे हैं और दलजीत जो भी इनका पुत्र है, इन तीनों पे जो है पर्चे दर्ज हैं और जो दीप सिंह है वो अभी 5 क्विंटल चूरा पोस्ट के केस में अभी जेल में भी बंद है, तो काफ़ी इन पे पर्चे दर्ज हैं, वो सारा डिटेल हम लोगों ने निकाला और फिर प्रॉपर्टी का सारा डिटेल्स निकाल के प्रोसीजर किया गया। तो सर कितने समय से नशे के ये तो काफ़ी लंबे समय से इनके ऊपर काफ़ी पुराने पर्चे हो रखे हैं, 4-5 साल का तो हमारे पास रिकॉर्ड है इसमें। ये सभी प्रकार का नशा जो है वो बेच रहे थे। हाँ उस पर भी इसमें पूरी वही कार्रवाई हुई है और इसमें गाड़ियाँ भी और बैंक का जो अकाउंट है उसको भी फ्रीज़ किया गया है, अब ये बैंक से भी पैसे नहीं निकाल सकते हैं ना उन गाड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं बेच सकते हैं, और घर को जो प्रॉपर्टी है उसको भी फ्रीज़ कर दिया है।